मेरा नाम अखिलेश है, अखिलेश दर्जी, मैं घोटात से हूँ। और हमारे हीरालाल जी केसरीमल, एच केसरीमल जो हैं, उनके वहाँ से हम हमेशा अपने आभूषण लाते हैं। और इनका जो गोल्ड है वो एकदम 24 कैरेट के इक्वल ही, अर्थात बहुत शानदार। और जब भी हम कोई भी हमारे फंक्शन होता है, विवाह होता है, वहीं से हम ऑर्नामेंट लाते हैं। मेरे और मेरे जीजी के वहाँ, जीजी है और मेरे बुआ है, सब कुछ हम उनके ही ग्राहक हैं। और हमारा परिवार जैसा वहाँ व्यवहार है, जहाँ जब भी जाते हैं कुछ भी है तो यूँ लगता है कि अपने घर में बैठे हैं, ऐसा है। और हर तरह का सोने और चांदी का वो सभी प्योर शुद्ध आभूषण मिलता है। हम वहीं जाते हैं और उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमें जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई होता है, तुरंत याद करते हैं। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आस बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। आज हम खड़े हैं बांसवाड़ा जिले के सियापुर। सियापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जन्म लिया है दीक्षिता पटेल, एक नन्हे सी गायिका। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, इनके जीवन के बारे में हम बताएंगे कि ये नन्हे सी बालिका जो आज वागड़ क्षेत्र का नाम, हमारे राजस्थान कहो, पूरे भारत के अंदर नाम कमाने वाली, और गायिका के क्षेत्र में भजन कहो या देशभक्ति गीत कहो, किसी भी क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है हमारे वागड़ क्षेत्र की। हम आपको ले चलते हैं सियापुर बांसवाड़ा, जहाँ हमारे बीच है दीक्षिता पटेल। दीक्षिता जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है बेटा। हाँ हाँ बेटी, बताइए आपके जीवन के बारे में, बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में बताइए। मेरा जन्म सियापुर में हुआ और मैं एक सिंगर हूँ और मैं आगे सिंगर ही बनना चाहती हूँ। बेटी, आप किसको गुरु मानते हो? मैं अपनी गुरु लता मंगेशकरन जी को मानती हूँ। एक लता मंगेशकर का कोई गीत आपके ध्यान में हो तो सुना दीजिए। हाँ, लता मंगेशकरन जी का, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा है संगीत, मेरा सुना पड़ा है संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीक्षिता जी, बताइए, आप गायिका के क्षेत्र में हो तो भजन भी आप गाती होंगी, तो एक आधी भजन हमारे एकता समाचार के माध्यम से सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, भजन। दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में, और मैं भी दीवाना हो गया खाटू के मंदिर में। मुस्काए जो सरकार हो गए एक पल में ही प्यार, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, जन्मों का रिश्ता हो गया, हो जन्मों का रिश्ता हो गया खाटू जी के मंदिर में। दीक्षिता जी, अभी गणपति महोत्सव चल रहा है, सभी दूर गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है हर क्षेत्र में, हर पंचायत में, तो बताइए गणपति जी के बारे में कोई ऐसा भजन या गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश,
तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 किस जननी ने तुझे जन्म दियो है। बेटा एक बात हम बताना चाहेंगे आपसे कि आपको यहाँ बांसवाड़ा कलेक्टर साहब ने भी सम्मान दिया। हाँ। तो बताइए किस विषय को आपको ये सम्मान मिला? हाँ, एक अभी जो चुनाव तो आ ही रहे हैं अपने, मैंने चुनाव पर एक गीत बनाया था, उनको वो गीत बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था और वो गीत मैं आपके सामने पेश भी करना चाहती हूँ। अभी चुनाव माहौल चल रहा है आप सभी जानते हैं, और इसी चुनाव माहौल पर मैंने खुद ने एक गीत लिखा है जो एकता समाचारों को सारे दर्शकों को मैं ये गीत सुनाना चाहती हूँ। ए होता हो ई जागजू, जागता हो ई ताकजू, कांड मांडी ने हामरजू, निर्वाचन आयोग ने आवात, अरे अरे कई बात ने केवी बात बेन। वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, लोकतंत्र नो त्यौहार आयो, लोकतंत्र नो त्यौहार आयो, वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार। उमर 18 पूरी थई हो, उमर 18 पूरी थई हो, जोड़ावी लेवू नाम रे, जोड़ावी लेवू नाम रे, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार। वोट सबने नकवा है, वोट सबने नकवा है, भूलो न किया बात रे, भूलो न किया बात रे, वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार। घर मोहल्ला गाम ने, घर मोहल्ला गाम ने, मानी लेने जाजो रे, मानी लेने जाजो रे, वोट नकवा हारू तमे हली मली जागो रे, वोट नकवा हारू तमे हली मली जागो, वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार। ईवीएम नो बटन दबारी ने, ईवीएम नो बटन दबारी ने, आंगरी माते शाही लगाड़ो, आंगरी माते शाही लगाड़ो, वाला वागड़ना भाइयो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार, वाली वागड़नी बहनो आयो लोकतंत्र नो त्यौहार। आज मेरे गांव सियापुर में एकता समाचार की टीम आई है और एकता समाचार की टीम ने मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं उनको बहुत अभिनंदन करती हूं। और आज एकता समाचार 50 लाख लोगों तक पहुंचा है और ये 6 वर्ष उनके पूरे हुए, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूं। धन्यवाद। बेटी बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी आयु 13 वर्ष है। बेटी बताइए आप गायिका के क्षेत्र में आपको यहाँ आने का मौका कैसे मिला? ये तो मेरी रुचि थी, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं आपके बीच आई हूँ। हमारी बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो दीपिका? मैं बेटियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी, बेटी बचाओ, बेटी आगे पढ़ाओ और बेटियों को शिक्षित करो। वो दो घरों को संभालती है, अपने ससुराल को भी, अपने ससुराल का भी नाम रोशन करती है और मायके का भी नाम रोशन करती है, इसलिए हमें बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ाई करानी चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ वागड़ की बेटियों के लिए। एक बेटी होती है जो सबसे प्यारी उसकी माँ होती है, तो बेटी बताइए माँ के बाद में आपको पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, पास
बस बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। ये थी हमारी नन्ही सी बहन दीक्षिता पटेल, जो मात्र 13 साल आज देशभक्ति गीत कहो या भजन कहो या कैसा भी गीत इनसे गवा दो गाने के लिए तैयार है। आपके क्षेत्र में भी अगर आप बुलाना चाहो तो ये बेटी आपके यहाँ पे आएगी। बेटी आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, 9602883132 मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए इनसे। ये सियापुर कौन से जिले में आता है बेटा? ये सियापुर बांसवाड़ा जिले में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक समय के लिए आपका। हाँ।